दोस्तों, पांचवें चरण के बाद और छठे चरण से पहले इतनी बड़ी तब्दीलियां होगी ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी, वो खबर थी बीजेपी और आरएसएस की। आरएसएस को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि अब उनको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बीजेपी को उनकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जिसके बाद तमाम तरीके से इस खबर को जो है शेयर करने लगे लोग कि देखिए सब कुछ सही नहीं लग रहा है, पांचवें चरण में सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सुर भी बदल गए हैं। जिस आरएसएस के सहारे उसने सत्ता पर अपना दबदबा बनाया, सत्ता पर काबिज हुई, अब उसी आरएसएस को लेकर 2024 में कह रही है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे एक साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि आरएसएस अब हमारे लिए कोई मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हालांकि आरएसएस हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ रहा, उनके हर काम में उनको गाइड करता हुआ नज़र आया, और चाहे वो जेपी नड्डा हो या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, वो सब आरएसएस के ही तो प्रोजेक्ट हैं। लेकिन आरएसएस इस बात से काफ़ी खफा हो गई है। जी हाँ, आरएसएस जेपी नड्डा के बयान से लगता है काफ़ी खफा हो गई है, काफ़ी नाराज़ हो गई है, और अचानक से पांचवा चरण चुनाव खत्म होते ही उनकी तब्दीलियां, उनका बदलाव, उनका जो बयान है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिस नेहरू, गांधी और कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से हमेशा कोसा जाता है, हमेशा उनको बदनाम किया जाता है, उन पर कई तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं कि देश में महंगाई उनकी वजह से, देश में बेरोज़गारी उनकी वजह से, देश तरक्की नहीं कर पाया उनकी वजह से, लेकिन 8-10 साल में प्रधानमंत्री ने बहुत देश को ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। अब तो भगवान के अवतार भी खुद को मोदी जी बताने लगे हैं। नेटवर्क 18 वाला वीडियो देखकर तो मैं भी दंग हो गई। लेकिन अब मोहन भागवत ने मोदी और बीजेपी को ये बताना ज़रूरी समझा और खुले मंच से बताया है कि ये जो तुम नेहरू गांधी का नाम ले ले करके, पानी पी पी करके जो उनको बदनाम कर रहे हो, उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता है। ये बात खुद आरएसएस के स्वयंसेवक मोहन भागवत कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, लगाना आपको झटका, 440 वाट वाला झटका, मोहन भागवत का ये बयान है। दरअसल मोहन भागवत एक मीटिंग, एक प्रोग्राम में गए थे, और उस प्रोग्राम में वो भारत में हो रही तब्दीलियों के बारे में, भारत में जो तेज़ी से बदलाव आया है, भारत के विकास के बारे में, तरक्कियों के बारे में, और नेहरू गांधी के बारे में खुलकर बोलते हुए नज़र आए हैं कि इस बात को कोई मिटा नहीं सकता है, कोई उसे छुपा नहीं सकता है कि नेहरू और गांधी ने इस देश के लिए क्या किया है। अब इस खबर को जैसे ही सामने आया, जैसे ही ये मीटिंग वाली वीडियो सामने आई, हालांकि दोस्तों ANI की वीडियो है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन इस खबर को जो है बड़े बड़े नेताओं के ज़रिए जो है शेयर किया गया है, और जानकारी भी दी गई है कि देखिए बदलाव इसे कहते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के मोहन भागवत का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को टैग कर दिया उन्होंने, अमित शाह को टैग कर दिया कि कृपया आरएसएस ऑर्गेनाइज़र के संघ चालक जी के इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के बारे में विचार अवश्य सुन ले। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो है वो आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया में कांग्रेस का योगदान, नेहरू गांधी का योगदान सबसे इम्पॉर्टेंट ये था, उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल होते हैं वो उनका था, और उन्होंने देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये सब कुछ मोहन भागवत जी कह रहे हैं। इनफैक्ट दिग्विजय सिंह ने तो जेपी नड्डा को भी टैग कर दिया है कि मोहन भागवत ने देखिए क्या कहा है। अब इसी वीडियो को हितेंद्र नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि पांचवें चरण के बाद आरएसएस के मोहन भागवत भी कांग्रेस के योगदान को याद करने लगे, मोदी जा रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है, इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। सोचिए दोस्तों कि कैसे कैसे जो
एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था 2014 के बाद से कि हर एक चीज़ की के लिए ज़िम्मेदार नेहरू है, इंदिरा गांधी है, पूरी की पूरी कांग्रेस जो है इसके लिए ज़िम्मेदार है हर एक चीज़ के लिए, और लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए पूरी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, राहुल गांधी के बारे में कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे बयान जो है कि खुद का काट करके, खुद मिक्स मैच कर करके सब कुछ दिखाना शुरू किया, और मीडिया ने भी इसको खूब हाइप दिया, मीडिया ने भी खूब बताया। मोदी जी की तरफ से, मोदी जी की पार्टी की तरफ से एक चीज़ आती थी तो मीडिया उसको बड़ा बड़ा करके 100 चीज़ें फैलानी मार्केट में शुरू कर देती थी। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए झूठ गढ़ा गया, एक कहानी बनाई गई, गलत नकली कहानी, झूठी फरेबी कहानी सबको भेजा गया। उसके बाद कई लोगों ने इसे सच भी मान लिया, लेकिन अब धीरे 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 करके वो कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, सच को कोई मिटा नहीं सकता है, और झूठ हमेशा, जी हाँ, सच के आगे खड़ा नहीं हो सकता है, झूठ हमेशा नीचे ही रहेगा, सच के साथ नहीं आकर कदम से कदम चलाकर मिल सकता है। तो आज मोहन भागवत ने भी इस चीज़ को मंच से कहते हुए एक बात तो क्लियर कर दी है कि तुम लाख नैरेटिव, लाख झूठी कहानियाँ बना लो, लेकिन सच कोई नहीं मिटा सकता। यह आरएसएस ने भी अब कबूल कर लिया है, जो आरएसएस हमेशा से नेहरू गांधी को लेकर जो है गलत प्रतिक्रिया, गलत बातें, गलत खबर कहते हुए नज़र आते थे, गलत बयान उनकी जो है हमेशा से आती रही है, लेकिन आज आरएसएस के मोहन भागवत ने खुलकर मंच से ये बात कह दिया है कि कांग्रेस का योगदान इस देश में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अब आप सोचिए कि बीजेपी और आरएसएस की कलह किस कदर जो है वो सामने आ रही है। अब कोई आरएसएस का छोटा मोटा नेता कहता तो समझ में आता, लेकिन ये आरएसएस के टॉप लीडर में से एक लीडर हैं जिनका ये बयान है। तो तब्दीलियां दोस्तों हो रही हैं, बदलाव हो रहा है, लोगों को पता लग गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि गुस्सा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर नज़र आ रहा है दोस्तों, उनके चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर नज़र आ रही है। अब उड़ीसा में जाकर अमित शाह कह रहे हैं कि कोई तमिल वाला यहाँ पर राज कर सकता है, मतलब राज्य को राज्य से लड़वाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कभी आपने देखा सुना है कि जाकर के दूसरे स्टेट में आप कह रहे हैं कि आप तमिल वाला नहीं यहाँ राज कर सकता है? कर सकता है क्या बताइए, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। अब आप तमिल में जाते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए तमिल वालों को लूट लिया गया है, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। यही वजह है दोस्तों कि तमिल यानी कि साउथ के लोग जो हैं वो बहुत समझदारी के साथ वोट करते हैं, वो कम्युनल चीज़ों पर वोट नहीं करते हैं, वो मेन मुद्दे पर वोट करते हैं, मेन मोटिव पर वोट करते हैं। और आज साउथ के अंदर बीजेपी का क्या हाल है आपके सामने है। एक, जी हाँ, एक स्टेट नहीं बचा पाई है, हर जगह से उनका सुपड़ा साफ है। अब आपको बता दें कि ये तब्दीलियां कैसे हो रही है, क्योंकि कल मैंने आपको शेयर बाज़ार के रिपोर्ट दिखाए थे, आज मैं आपको एक और सर्वे दिखाती हूँ। इस सर्वे में बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। एक बड़े जर्नलिस्ट, जी हाँ, एक बड़े जर्नलिस्ट प्रेम कुमार, उनकी तरफ से ये खबर साझा किया गया है, और पूरा का पूरा सर्वे लिस्ट जो है पांचवें चरण तक का, उन्होंने पूरी आंकड़ों के साथ तमाम बातें बताई है कि क्या और कैसे हो रहा है इस देश में बदलाव। अब की बार 300 पार इंडिया जो है वो होने वाली है, राज्यवर आकलन जो है ऐसा ही बताता है। प्रेम कुमार जर्नलिस्ट जो है वो आंकड़ों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इंडिया 307 सीटें ला रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन का जो इस बार का आंकड़ा है वो 300 के पार है। वहीं एनडीए की बात करें, बीजेपी के तमाम गठबंधनों को मिला करके तो 204 सीट पर ही बीजेपी सिमट रही है। यूपीएमपी छोड़कर कहीं भी दहाई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर रही है। इस ट्वीट को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं भी आपको पढ़कर बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा है और आगे का आंकड़ा क्या है, 4 जून के नतीजे क्या है, वो सब कुछ इस आंकड़े में, इस लिस्ट में बयां किया गया है। अब ये लिखते हैं कि इंडिया कम से कम 9 प्रदेशों में दहाई का आंकड़ा पार करेगा, एनडीए का अधिकतर स्कोर यूपी में होगा। जी हाँ, इंडिया का अधिकतर स्कोर तमिलनाडु में रहेगा, एक या दो सीटों वाले प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया एनडीए का स्कोर 11 और 8 के बराबर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में और त्रिपुरा में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा, तमिलनाडु केरला में इंडिया क्लीन स्वीप करेगा। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि 4 जून को जो नतीजे, जो अनुमान, जो सर्वे को देखते हुए लोगों की जो एनालिसिस है वो ये बताई जा रही है कि इंडिया और एनडीए में क्या क्या जो है अंतर हो सकता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यहाँ पर इंडिया को 32 सीटें और एनडीए को 48 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीट महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन इंडिया को 38 और एनडीए को 10 सीट महाराष्ट्र के अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बातें करें तो पश्चिम बंगाल में टोटल लोकसभा 42 सीट है, यहाँ पर 32 सीट इंडिया को और 10 एनडीए को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीट में इंडिया को 25 सीटें मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को 15 सीट बिहार के अंदर। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं जिसमें इंडिया को पूरा का पूरा सीट, बीजेपी एक सीट यहां से नहीं ला रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, यहां पर इंडिया को 5 और एमपी में एनडीए को 25 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। आगे माफ़ कीजिएगा 25 नहीं 24 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा को मिलती हुई नज़र आ रही है। कर्नाटक की बात की जाए तो 28 सीटें जो है कर्नाटक के अंदर, 28 लोकसभा सीट है, यहाँ पर 22 एनडीए को मिल रहा है और 6 एनडीए को मिल रहा है। गुजरात की बात करें तो 26 लोकसभा सीट है, यहाँ पर 3 इंडिया को मिल रहा है और 23 बीजेपी एनडीए को मिला। राजस्थान में 25 सीटें हैं जिसमें एनडीए को 13 और इंडिया को 12 सीटें मिल रही है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, यहां पर 2 इंडिया को मिल रही है तो 8 एनडीए को। राजस्थान और तमाम जगहों की बातें तो हमने आपको बता ही दी कि किसको कहां पर मिला। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 लोकसभा सीट है, 25 में से आंध्र प्रदेश के अंदर 2 सीटें इंडिया को मिल रही है तो 8 सीटें एनडीए को। तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीटें, यहां पर 12 इंडिया को और 4 बीजेपी को मिल रही है। केरला में 20 सीटें हैं तो 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों इसी तरीके से जो अगर बात की जाए तो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक में एनडीए का और इंडिया का जो टक्कर है वो एनडीए सामना नहीं कर पा रही है। जी हाँ, इधर यूपी एमपी की बात करें तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बाकी जगह पर उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। एमपी, यूपी, राजस्थान, जी हाँ, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर एनडीए अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बात की जाए तो इंडिया इस बार पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हुए नज़र आ रही है। उनका जो फोकस रहा है हमेशा से साउथ पर रहा है और साउथ में उनकी जीत ये बताती है कि किस तरीके से उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने बाजी पलट दी है और यही वजह रही है कि मोहन भागवत के भी बदले बदले सुर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद खुलकर बीजेपी को उनका जो आईना है वो दिखा दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।